ये जो रोड निकला है इसकी वजह से यहाँ पर दरारें आ गई है, इस वजह से हमें चेतावनी मिली है पूरे इलाके को, जितना भी यहाँ पर है, ये जितना भी एरिया दिख रहा है। तू तो बढ़िया है, वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट बलराज जी सहनी। बहुत जबाज गारे मांझे तुम्हें। हाँ तन जान दोस्त तेरा जाए छोड़ कट रात दूध। तो अभी मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, ये देखिए सामने सामने की तरफ, ये देखिए स्लाइड हो रखे है इधर चारों तरफ। परसों तो यहाँ पर गाड़ी भी आ गई थी, यहाँ पर गिरी थी, उसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। पर हर जगह मंजर खतरनाक है, और यहाँ पर हमारे घर में भी 3-4 लोग फंसे हुए हैं, दोनों तरफ से रोड बंद है। सोलन की कुछ लड़कियाँ यहाँ पर और एक हमारे रिश्तेदार यहाँ पर फंसे हुए हैं 2-3 दिनों से, तो हमारे घर पर ही रुके हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं आपका दोस्त सतवीर। और पिछले कुछ 3-4 दिनों से बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मची हुई, बहुत ही ज़्यादा तबाही हो रही है चारों तरफ हिमाचल में। तो यहाँ हमारे को आज हमारे घर के पीछे भी जो सड़क गई है ऊपर वाले रोड पे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरारें आई है, तो उसे देखने अभी जा रहे हैं। थोड़ा सा निम्बल हो रखा है, मतलब बारिश रुकी हुई है, तो अभी वहाँ पर देखने जा रहे हैं हम, तो इस ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे। पटवारी जी तो कह रहे थे यहाँ से जल्दी से इवैक्यूएट कर ले या यहाँ से खाली कर दे, कि देखते हैं ज़रा कितना खतरा है, ऊपर जाके देखते हैं कहाँ कितनी दरारें आई, यहीं पर साथ में ही स्लाइड हुई है, तो भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए आप ब्लॉग में। ये देखिए यहाँ ये संदीप जी का घर है, और यहाँ भी काफ़ी पानी लगा हुआ है इधर। क्या तुम पानी लाग रो, पानी फुल लाग रो थे? हाँ जी ना बोला, इतनी तो जान इतनी आओगे पाछू। ये देखिए घर के बिल्कुल पीछे ही ये इतना सारा स्लाइड हुआ है, और इधर को भी सारे लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं, और चेतावनी दी है विभाग की ओर से कि आप ये अपने मकान खाली कर दे। इस मकान के लिए ज़्यादा खतरा है संदीप जी, ना ऐसा कुछ है, और ईश्वर करे कुछ ऐसा हादसा ना हो जैसे कि हिमाचल के दूसरे कोनों में हो रहे हैं। जैसे कि मैं हिमाचल का दूसरा मंजर देखता हूँ संदीप जी, ये तो मुझे बहुत कम नज़र आता है, जैसे कि वीडियोस शेयर की जा रही है सोशल मीडिया के अंदर, पर ये उस हिसाब से नहीं है। पर ये जो रोड निकला है इसकी वजह से यहाँ पर दरारें आ गई है, इस वजह से हमें चेतावनी मिली है पूरे इलाके को, जितना भी यहाँ पर है, ये जितना भी एरिया दिख रहा है। चले फिर से तो रिस्की है भाई, कहाँ से है रास्ता, इसे रास्ता कहते हो आप हैं? ये रास्ता है, है? ये देखिए आप ही बोलिए, क्या ये रास्ता है? ये रास्ता है सर, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। कैसा मंजर है सर, आप बताइए जरा इधर। सर मंजर ये देखिए आप, हिमाचल में काफी तबाही हो रही है, बहुत तबाही हुई है। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट सतीश कमल जी, डायरेक्ट जुड़े हैं इंडिया टीवी से। तबाही तो देखो आप, सिरमौर में तो हिमाचल में तो बहुत तबाही है, बहुत खतरनाक तबाही। यहाँ तो कुछ नहीं है, इतने ना थी कि ये ये देखो इस तरह के स्लाइड हिमाचल में सारे में, और ये पूरा पोर्शन की ना सतवीर जी पर से, कौन सा ये पूरा मेरे वाला पॉइंट है ये राम, ऐसा मत बोलो, हमारे लिए तो खतरा है सर। ना सीमेंट डाल जाता एक जो अब मैं आपको सीमेंट डाल नहीं देगा, जाल वाला जा सकता है, जाल वाला अब ये ऊपर वाला जाएगा। 3 मीटर है सर, 3 मीटर का नहीं है, वैसे दुनिया तो नहीं जाना का शुरू का कोई तो वजन नहीं जाना, नीचे तो दबा नहीं है इसलिए ये रॉकेट के पहले लगने विभाग ने चेतावनी दे दिया हमारे को कि आप तो और जगह चले जाओ, जा सकते हैं। कैसे पटवारी फोन आया था, बोला आप रिस्क है, बोलो अगर खाली कर दो अगर जा सकते कहीं। अभी जी कैसे हो आप, आपको ढूंढते ढूंढते हम थक गए, कहाँ गए थे आप? खाना खा लो जाके, हम जा रहे ऊपर जरा देख के आते हैं ऊपर, थोड़े वीडियो बनाते इसके। तो यहाँ से जा रहे हम, आ जाओ देखते हैं जरा, मुआयना करते हैं
ये देखिए पूरा एरिया गिरा है और इससे ऊपर भी दरारें बता रहे हमारे, और ये इनका बगीचा है पूरा कमल जी का। ये देखिए हमारा तो यहाँ से रास्ता ही खराब हो गया, देखिए कैसे कैसे निकल रहे हैं। देखिए बिल्कुल गांजी से जाते हुए ना, ना ना, ये देखिए पूरी दरारे आ गई है। ये किस लिए है यहाँ पर? ये डंपिंग हो गया जो माल थोड़ा ये भीमता जी ने। अच्छा अच्छा मधुआ इस रोड का ये सारा इसको। तो कमल जी हमें इस टाइम पूरी जानकारी दे रहे हैं यहाँ। देखिए यहाँ से देखिए कोई 4 फुट की दरार है, लगभग 3 फुट 4 फुट की दरार आगे तक, वो आगे स्लाइड हो रहा है गिरा हुआ उस पॉइंट तक है। और ये सारे मकान इस टाइम खतरे के इसमें ना पूरी आ चुकी है, इधर पूरा भरा हुआ था, ये सब डंपिंग हो गया, ये डंपिंग हो गया है पूरा यहाँ पर, ये सारा भरा हुआ है और इसके ऊपर वेट पड़ने की वजह से यहाँ पर दरार आ रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। और इधर देखिए आप नज़ारे तो बहुत प्यारे बने हुए हैं। यहाँ पे हम अभी नेचर रिसोर्ट का भी सोच रहे थे। अच्छा नेचर रिसोर्ट बनाने के। अच्छा यहाँ पर जी। हाँ यहाँ पे इसी पे। चलो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले ही, पर भगवान करे ये टिको वाले बिल्कुल भूमि है हिमाचल। हाँ जी हाँ जी। देखिए बहुत तेज हवा चली है और बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी है बस। और इधर देखिए आप नज़ारा, और ऊपर हम जा रहे हैं अभी दरार देखने के लिए। लोग फंसे हुए हैं इधर के भी, हरिपुरदार के भी, सोलन जाने वाले यात्री भी यहीं फंसे हुए, हर जगह लोग फंसे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये सारा भरा हुआ है। यहाँ जब रोड का काम चला था, इस रोड का, ये गुद्दकधार वाला रोड है, इसके पीछे इसे गुद्दकधार कहते हैं। और ये सारा यहाँ पूरा भरा हुआ, ये डंपिंग साइट है पूरी, और यहाँ से इससे वजन बढ़ा और नीचे दरारें आ गई। जी कमल जी हमें अभी जानकारी देंगे इसकी। ये देखिए सतबीर जी, ये देखिए खिलगुदक रोड हमारा, ये सारा यहाँ से कट रहा है, सारा जाएगा, ये सारा पूरा पूरा पहाड़ ये फाड़ ले जाएगा। भगवान करे बचाए रखे, भगवान करे बचाए रखे, पर आशंका है, प्रभु की बेंत माया है जी, प्रभु ही जाने। तो नज़ारा तो बहुत प्यारा है, पर इस नज़ारे पर अब प्रकृति हमारी बढ़क चुकी है। बिल्कुल ये हमारी जो ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति के साथ जो जरूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करती है ना, वो घातक सिद्ध होगी ये हम। बिल्कुल यहाँ पर दिखाई है ज़रा कहाँ दरार है यार। ये देखिए सर, ये देखिए ये पूरा ये रोड भी देखो फट चुका है। ये तो ऊपर वाली मिट्टी है, ये सारा नीचे जा रहा है, ये सारा जमीन ही जा रही सारी, खिसक रही है सर। ना 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 बिल्कुल खिसक रही है। तब का यहाँ तो प्लेन था सतवीर जी, आपने भी देखा होगा यहाँ गाड़ियाँ मुड़ती थी, यहाँ इतना खुला डुला था, गाड़ियाँ मुड़ती थी, सब ये बैठ रहा है, स्लाइड हो रहा है सर। यहाँ ये चीज जो नीचे गई ना, ये यहाँ थी। अच्छा अच्छा ये वाला पौधे जो नीचे जा रहे ये ऊपर थे। बार बार वाली मिट्टी ये नीचे तक कैमरा घुमाएंगे आप, यहाँ से नीचे सारा ये पोर्शन सारा जा रहा है। बहुत रिस्की हो गया, बहुत रिस्की हो गया सर। वो देखो सड़क नीचे, गाड़ी आ रही है नीचे, खुद का घर खतरे में। ये देखिए लाल छत वाला, देखिए गाड़ी निकल रही है नीचे से दलदल के बीच, बड़े मुश्किल से। वो देखो पानी से भर गया, तालाब बन गए। ये देखिए ये साथ में नीचे सतवीर गुरु जी अपने और जगमन सिंह भाई धीमान जी कॉन्ट्रेक्टर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनका मकान है। इधर तो थोड़ा राहत है इनके लिए, बिजट महाराज की कृपा से, माता रानी की कृपा से बचाव हो रहा है, यहाँ पे स्लाइड नहीं हुआ है। देखिए ये हमारे 3 स्तंभ है चाड़ना के, 3 टावर हमारे, ये देखिए बिल्कुल ख़त्म है टावर BSNL का, इसमें कोई भी काम नहीं रह गया क्योंकि सरकारी ये बिल्कुल बंद है। और ये सामने एयरटेल का है, उससे आगे BSNL का है। ये देखिए आप नज़ारा कितना प्यारा बना हुआ है। कल तो संदीप जी मैंने बस चलाई यार ना। और नज़ारा देखिए अभी माता रानी के मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं, तो अभी आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ नज़ारा बहुत प्यारा है और माता रानी का हम धन्यवाद भी करते हैं, अभी तक आपने बचाए रखा और आगे भी हमारे ऊपर रक्षा रखना। तो ये कुदरती आज इधर का प्रोग्राम बना है, अचानक ये माता का बुलावा ही होगा। तीश कमल जी और अपने संदीप जी हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, हमने लड़िया तड़िया यहाँ रख दिया है और आगे चलते हैं।
और अभी माता रानी के मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं कि माता रानी कृपा बनाए रखे। और ये देखिए, ये हमारा मंदिर है माता रानी का, यहाँ पर थोड़ा देखिए। जय माता रानी, जय माँ भवानी, बोल साचे दरबार की। रहना दिखा, माता रानी के दर्शन करा देते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल। जय माता दी, अभी अंधेरा है थोड़ा। जय माता रानी, अब हमारे पास चाबी भी नहीं है। अभी इधर साथ में ये भोलेनाथ का शिवलिंग है, हम इनसे भी प्रार्थना करते हैं कि हर जगह प्रकृति में संतुलन बनाए रखे भोलेनाथ, सृष्टि की रक्षा करे, बहुत हो गया ये प्रलय। आप सभी के लिए हम दिल से कामना करते हैं कि आप की सुरक्षा के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहे, भोलेनाथ आपको रक्षा करे। इस आपदा में भोलेनाथ और महामाई हिमाचल देवभूमि, हमारे बिजट महाराज, श्रीगुल महाराज, माता रानी, माँ बघानी देवी, माँ रेणुका मियाँ, भगवान परशुराम, सभी देवी देवताओं की कृपा रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो इस तबाही में कम से कम घटनाएँ घटी है, जो घटनाएँ घटी है उनके प्रति हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें। जिस हिसाब से महाआपदा आई है इस हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कहीं जगह, लेकिन हिमाचल उत्तराखंड में विशेषकर आई है, तो देवी देवताओं की जैसे देवभूमि है बड़ी कृपा रही है, उसी तरह देवी देवताओं के साथ हिमाचल के लोगों ने भी अपना देव दिल दिखाया है। जो बेचारे कहीं टूरिस्ट यात्री फंसे थे, उनको ठहरा के अपने होटलों में उनकी व्यवस्था करके, भोजन पानी की व्यवस्था करके, एक इंसानियत का जो परिचय दी हिमाचल वासियों का, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवादी रहेंगे। और अपने भाई सतवीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यहाँ हमारे एरिया में 3-4 बसेस फंसे हैं, उनके बस का जो स्टाफ है वो सरकारी है, प्राइवेट है, सबकी व्यवस्था है, रोटी पानी यही देख ले है, तो इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपने ग्राम पंचायत चांडना की ओर से। तो इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं, और सभी हिमाचल वासियों से और हमारे जितना भी इलाका आता है देवभूमि हिमाचल के, सभी जितने भी ग्रामीण हैं और जितने भी लोग हैं जो कि इस आपदा से ग्रसित है, तो जो भी लोग फंसे हैं उनकी आप दिल खोल के मदद करें, जब तक सांस है तब तक आस है। अभी के लिए नमस्कार, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। तू तो बढ़िया वीडियो बनाए हैं। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट बलराज जी साहनी।